जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। जिंदगी नाम है मुस्कुराने का। कहीं कहीं अगर उलझने आ भी जाएं तो मसला नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद और आपसे मुलाकात होगी। थोड़े पहले मैं बैठ जाऊं। मुलाकात होगी एवरी ट्यूसडे। डॉक्टर शाहिद फिर से संजीदा हो चुके हैं। ओवर टू डॉक्टर साहब, नंबर क्या है हमारा? 51 एंड में आता है। एक्सीलेंट। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले जिंदगी के इस एपिसोड में कि डिप्रेशन एंग्जाइटी होती क्या है। डिप्रेशन एंग्जाइटी एक खेल है आपके न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट जी, ठीक है, सेरोटोनिन का। अगर वो उसकी रीअब्सॉर्प्शन का डिफेक्ट है तो उसमें हम सेरोटोनिन और एड्रेनालिन दिमाग में केमिकल्स हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान सी सादा सी मिसाल दी थी कि अगर आपको शुगर की बीमारी हो तो आप इंसुलिन लेते हैं या गोलियाँ लेते हैं जिससे आपको आपका शुगर का लेवल ठीक होता है। ब्लड प्रेशर में होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर की आप दवाइयाँ जब लेते हो तो ब्लड प्रेशर आपका उससे सेटल होता है। इसी तरह हमारे साइकेट्री में भी जो एक बीमारी होती है हम उसको जब पिक करते हैं, जब तशखीस डायग्नोज की उसकी डायग्नोसिस होती है तो उसके लिए फिर वो दवाई देते हैं जो उस केमिकल ट्रांसमीटर को जो आपके दिमाग में होता है उसकी बैलेंसिंग करता है। या वाला आप ठीक हो जाते हो। क्या बात है। ये जो है ना, ये आपका जो है ना, ये टैगलाइन बन जाएगा, एक्शन बन जाएगा आपका ये। अच्छा, जैसे बात कर रहे थे कि खौफ है वो फिर क्या, जैसे इनसिक्योरिटीज होती हैं, क्या ये बात नहीं फोबिया बन जाती है? बिकॉज मुझे भी एक खौफ है कि जो मेरे अजीज, जो मेरे प्यारे हैं, उन्हें कुछ हो ना जाए, मैं उन्हें लूज ना कर दूँ, कोई कॉल आ जाए या कुछ ऐसा। मैं अपनी बीमारी नहीं बता रही, लेकिन मेजोरिटी खवातीन को ऐसा होता है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो या कोई कॉल आ गई, कोई नेगेटिव बात ना आ जाए, खासतौर पर लेट नाइट कॉल्स जो होती हैं, तो ये भी कोई बीमारी है क्या? नॉर्मल चीज़ें हैं जी ज़िंदगी में, कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जिन्हें हम एबनॉर्मल बनाते हैं। अपनों से सब प्यार करते हैं, माँ बाप से, बहन भाइयों से, आदमी शुरू में, फिर शादी के बाद बीवी से, बच्चों से, आपके दोस्त होते हैं वो आपको अब याद आते हैं, आप मिस करते हैं उन्हें, और उनको किसी कुछ हो जाए तो ये नॉर्मल सी बात है। इंसान अगर किसी से प्यार करता है, उसे आदमी किसी के बारे में सोचता है तो ज़ाहिर है खौफ तो उसके दिल में होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इसकी एक एक बॉर्डर लाइन है, एक सरहद सी है, अगर आप उसे क्रॉस करते हो, एक वो थ्रेशोल्ड है, उसके थोड़ा सा आगे जाते हो तो फिर वो एक बीमारी में बदल जाती है। फिर जब आप हर वक्त आपके जहन में वसवसे आते हैं, खौफ आता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, वो मेरे जहन में कोई एक और शेर आया था लेकिन वो भी आधा आया है। इसके लिए हमारे दो तीन दोस्त हैं जी, हमारे डॉक्टर साहबान हैं, वो उनको ज्यादा आते हैं, मुझे नहीं आते शेर, लेकिन वो उसके अगर थोड़ा सा इसको ज्यादा कर लें, अपने अपने जहन पे हावी कर लें। लेकिन इसके लिए ये कि आपकी जिंदगी में क्या क्या, मतलब कितनी कठिनाइयां आपने गुजारी हैं, क्या क्या आप पे गुजरी हैं, आप पे कितना, जब आप बड़े हो रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ, जब उससे पहले बचपन में आपका बचपन कैसे गुजरा, फिर आप पे क्या क्या आफतें पड़ी हैं, वो आपको एक एक आपको एक एक बना देती हैं, एक किस्म की आपकी पर्सनैलिटी बना देती हैं। और ये जो खौफ है, जो वहम है, ये भी बचपन ही से हमारे जहन में, अगर आप फ्राइडियन, वो सिगमंड फ्राइड हमारे जो साइकोलॉजिस्ट थे जी ऑस्ट्रिया वियना में, तो उनका था कि अगर आप बहुत ही पीछे चले जाएँ तो उसको आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से ये खौफ कहाँ से शुरू है, ये डर कहाँ से शुरू है, ये वसवसा कहाँ से शुरू है। लेकिन आजकल उन्होंने थोड़ा सा हम इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि आजकल इतना वो साइकोलॉजी इतनी एडवांस कर गई है कि हम किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आके, अभी भी अमेरिका में, हमारे यूनाइटेड किंगडम में लोग आते हैं और डायनामिक साइकोथेरेपी है जो 2-3 साल तक आप आते हो और आप सेशन अटेंड करते हो, वो बहुत लंबा हो जाता है। तो फिर आपकी थोड़ी सी बात काट लूं मैं जी, क्योंकि कॉल आ रही है। हम चाह रहे मैक्सिमम जो है वो कॉल आपकी अटेंड करें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात करिए? फर्स्ट फीमेल कॉलर जी, मैं नायला बात कर रही हूँ कराची से। नायला वेलकम टू जिंदगी, क्या कहेंगी? थैंक यू जी। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके जी? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मैंने ये पूछना था कि मुझे ना एसिडिटी वगैरह और डिप्रेशन मुझे बहुत ज्यादा है। मैं डॉक्टर के पास भी गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी अफेक्ट कर रही है। तो अभी उन्होंने मुझे रात में नींद भी नहीं आती, अजीब से, मतलब फिक्रमंदी और थोड़ी सी बात तो बहुत ज्यादा। अभी मुझे ना उन्होंने एक्सटोर दी थी 5/80 और इंड्रोल दी थी रात को नींद के लिए, लेकिन मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। तो मैं इसके लिए क्या करूँ कि मुझे ये वहम ना हो, कोई फिक्रमंदी, कोई लड़ाई झगड़ा घर में हो तो मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी ये प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा, तो शुक्र है मेरी कॉल मिल गई डॉक्टर। अच्छा, आप मुझे कुछ बताएं। अच्छा नायला, ऐसा है कि
मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि डिप्रेशन जो है वो होती क्या है, डिप्रेशन या होता क्या है, पता नहीं होता है कि फीमेल बना ले डिप्रेशन को आपने, सर लड़ाई वाली बात कर रहे हैं आप डिप्रेशन होता क्या है, एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है जी। इस तरह की डिप्रेशन, और डिप्रेशन जो होती है जिसे हम बायोलॉजिकल डिप्रेशन कहते हैं और जिसका हम इलाज करते हैं, उसके लिए कुछ सिम्टम्स हमें ICD-10 मैनुअल है हमारा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज जो जेनीवा स्विट्जरलैंड से जारी होता है, उसमें हमें तशखीस के लिए उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिप्रेशन के लिए कि आपको डिप्रेशन होती है, खफगी आती है, और उसके साथ आपकी जो वो एक एनहेडोनिया है, एनर्जी लेवल्स आपके नीचे चले जाते हैं। दो मेन सिम्टम्स है, इसके अलावा स्लीप की क्वालिटी क्या है, कुछ लोग सो नहीं सकते, सोते हैं तो उनको बहुत वक्त लगता है, कुछ लोग रात को बार बार उठते हैं इस वजह से उनकी नींद ठीक नहीं होती, कुछ लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं फिर सो नहीं सकते, कुछ लोग सुबह उठ भी जाते हैं नींद उन्होंने ठीक की होती लेकिन उन्हें लगता है कि हम सोए नहीं हैं, फिर खाने पीने का है, एपिटाइट का है, कुछ लोग ठीक तरह से खाते नहीं हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग वेट लूज़ कर जाते हैं, कुछ लोग वेट पुटअप करते हैं, फिर मोटिवेशन, और इसके अलावा जो है ये होपलेसनेस, नाउमीदी, मायूसी, ये भी होता है, ये बिल्कुल ये एक न्यूक्लियस है डिप्रेशन का। एक तो ये मिलके इस पे हम डिप्रेशन को डायग्नोज करते हैं, इसमें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर डिप्रेशन है। माइल्ड डिप्रेशन में जनरली ये सिम्टम्स होते हैं, मॉडरेट और सिवियर डिप्रेशन में साथ में आपको साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं, आदमी को वहम आते हैं, वसवसे आते हैं, आदमी को चीज़ें दिखाई देती हैं, आदमी को आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो है जी ये जो है ये इस डिप्रेशन की ट्रीटमेंट होती है मेडिकेशन से, साइकोथेरेपी से। इसके अलावा एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं एक्यूट सिचुएशनल स्ट्रेस, जिसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक्यूट सिचुएशनल स्ट्रेस ऐसे ही है कि आपको घर में आपके खानगी ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो आपकी सास जो है आपके साथ ठीक सलूक नहीं कर रही है, वो आपके शौहर की जो बहन होती है उसको क्या कहते हैं जी, नंद, हाँ वो नंद ठीक नहीं होती जी, और घर में कुछ इस किस्म का ड्रामा चल रहा होता है कि आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं होती, आप वो बड़ी वो क्या कहते हैं कम्बाइंड फैमिली में रहती हो, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपकी सर्विस नहीं होती, आपके पास पैसे नहीं होते, तो ये भी डिप्रेशन की ये एक्यूट सिचुएशन स्ट्रेस है। बिल्कुल सही, बट इट इज क्यूरेबल, उसका तो ये क्या, उसका तो आपको फैमिली को आप ठीक करें, अपना इर्द-गिर्द के हालात ठीक करें। बिल्कुल सही। आपने जो बात की, अगर आपको वाकई डिप्रेशन है, अगर इसमें सिम्टम्स में आपके कुछ हैं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट यू मे नीड एन एंटी डिप्रेसेंट, प्रॉब्ली अ न्यू वन। ये नए एंटी डिप्रेसेंट के साइड इफेक्ट्स कम है, नए और पुरानों में फ़र्क ये है कि वो आपके गुर्दों को ख़राब नहीं करती, आपके जिगर को ख़राब नहीं करती, आपको उसके साइड इफेक्ट्स कम है, तो वो आप आराम से दिन को भी ले सकती हैं। उसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट हैं जो आप रात को जब लेते हैं तो आपको नींद भी आ जाती है ठीक, तो उसमें नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अगर आप ठीक तरीके से सोते नहीं हैं तो आपका दिमाग जब रेस्ट नहीं करता, हफ्ते में आपको तकरीबन 4 दिन, ठीक है आप एवरी डे आप ठीक तरीके से नहीं सोए, लेकिन हर दूसरे दिन आपको ठीक तरीके एटलीस्ट 6 to 7 to 8 hours डिपेंडिंग ऑन योर एज के, और कि आप ठीक सोएं, क्योंकि आपके जहन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा अगर आपकी नींद के साथ खाना पीना आपका ठीक होना चाहिए, आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह ना होनी चाहिए, आपके तो ये लिंक करती हैं दिमागी परेशानी, सब चीज़ें लिंक करती हैं जी। और सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में जो एक चीज़ है, लोग आते हैं कहते हैं कि जी मुझे इधर दर्द हो रहा है, मुझे इधर दर्द हो रहा है, जैसे हम सोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं, ये पेन के मैं इतने दर्द होता है जी, मैंने इतने दर्द होता है, आदमी कहता है अब आपको क्या है, दर्द वर्द की तो कोई आदमी आपको आर्थराइटिस नहीं है, कुछ नहीं है, ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम है। हाँ जी डॉक्टर साहब, 6 निशानियां मेरे में निकल आई डिप्रेशन की, मैं तो पक्की मरीज हूं। आपको आपको रहना बहन, आपको एक एंटी डिप्रेसेंट आप लें और थोड़ा सा अपनी जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव पैदा करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम दें खुद को, थोड़ा सा जो सेल्फिशनेस होती है, थोड़ी सी खुदगर्जी अपने लिए, ये कभी कभी आपको अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा बना देती है, क्योंकि आप ज़्यादा कारामत बन जाते हो। अगर आप हर वक्त भागते दौड़ते रहते हो और आप लगे रहते हो एक मुसलसल एक भाग दौड़ में, और आप हर एक आदमी को खुश नहीं कर सकते। वो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि अगर आप अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि हर एक को आपने खुश करना है तो फिर आप आइसक्रीम बेचें, एवरीवन विल बी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं मैं कहती स्टैंड लेना चाहिए, थोड़ा सा स्टैंड तो ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। अगर आप स्टैंड नहीं लेंगी तो लोग आपको रूनते हुए चले जाएंगे जी, आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए, और ये आई एम ऑल इन फेवर ऑफ थोड़ा सा स्टैंड जी, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, खवातीन में ज़्यादा इश्यूज नहीं लगते हैं आपको?
एक तो जी हमारे हमारे माशरे में, देखें हमारे माशरे में अभी ये एक और आपने मेरी दुखती रक्त छेड़ दिया कि हमारे माशरे में बहुत फर्क है मर्द और औरत में जी। बिल्कुल। और जब तक ये फर्क पूरा नहीं होगा, बिल्कुल, जितने भी ये सियासतदान बड़े बड़े जलसे करते हैं, इतनी बड़की बड़के मारते हैं, ये ठीक नहीं होगा। हमें औरतों को थोड़ा सा, हमें औरतों को हुकूक देने चाहिए, थोड़ा सा वो बाहर आए। अभी तो लोग लड़कियां बाहर आने से डरती हैं जी, बिल्कुल, आती हैं तो सौ तरह से सोचती हैं, उनके माँ बाप भी सोचते हैं, बहन भाई भी सोच रहे होते हैं कि बाहर जाए नहीं जाए। हम औरतों को तालीम देते हैं, फिर उन्हें घर में बिठा देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। आपने अपने आधे माशरे को घर में बंद किया हुआ है, हाँ, डिप्रेस किया हुआ है, जिन्होंने घर को चलाना है, घर को चलाना है। दूसरा जी, थोड़ा सा आप उनको, उनकी बात भी सुने ना जी, जी, आप खुद में हौसला पैदा करें और घर में आपकी जो औरतें उनकी बातों को सुने। और आप अगर हर जगह मर्द बने हुए हैं, मर्द, तो फिर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल, आप दिस इज माय थिंकिंग, बातें बोलनी है। यू आर माय फेवरेट होस्ट, यू आर माय को होस्ट, एक्चुअली मेहमान तो आप है नहीं। अच्छा जी, ये कॉल है 0518094521 पे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी जी। मैंने आपसे कुछ अपने सिम्टम्स बताने थे जी। आप कौन बात कर रही हैं? मैं इरिस बोल रही हूं लाहौर से। जनाब कहिए डॉक्टर साहब जी। रमन जी फरमाइए जी। मैंने बताना था कि मेरे साथ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं, मेरे अपने साथ नहीं है, मैंने किसी को ट्रीट करना है, लाइक समबडी इज लिविंग विद मी। Okay. तो उसके साथ मैंने अपना बताना है कि वो सारा टाइम बदला सोता रहता है, उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो गई है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन जिंदगी में रही है, ही वाज अ वेरी मोटिवेशन पर्सन। अब उनके साथ ये हो गया है कि सुबह ऑफिस के लिए कहते मैं जाऊंगा, नहीं जाता। सो फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स से, और लाइक यू कैन से ईयर हो गया, बिल्कुल कहीं जाने का दिल नहीं करता और सोशलाइजेशन करने के लिए भी करता। ऑफिस अपना है, काम अपना है, लेकिन कि मैंने जाना है लेकिन नहीं जा पाते। एंड ही इज गेनिंग वेट आल्सो। अच्छा इरम, अगर मैं उसे नींद आती है, सॉरी इरम, मैं और उनकी एज क्या है इरम, प्लीज उनकी एज बताइएगा। उनकी 40। एंड अभी तक मैं थोड़ा सा समराइज कर लूं क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया कि 40-year-old मैन ऑल ऑफ अ सडन ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, ऐसा कह रही हैं आप? यस यस। और कितने कितने महीने, कितने वक्त से, कितने अरसे से ऐसा हो रहा है? ये 1.5 साल से हो रहा है। अच्छा, 1.5 साल। अच्छा, इसकी कोई वजह है पीछे, कोई बिजनेस में लॉस, कोई 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 और कोई परेशानी जिंदगी में? कोई लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। Or all of a sudden this happened just out of the blue? No, actually his brother is turned like 13 years back. He lost what? He lost his brother 13 years back, okay, probably. We got married. और उसके बाद ये हुआ कि सब कुछ हालात बेहतर होते रहे, सब कुछ हो गया था। He was motivated. He is socialized. We go to मतलब different places. He liked to go to Islamabad, यानी कि hiking, fishing, camping. He was full of life. But office में और the घर में interest थोड़ा खत्म हो चुका है. He don't want to go anywhere. अच्छा. Can I just ask you some other questions, please? उनकी कोई medical history है? उनको high blood pressure, कोई diabetes, कोई इस किस्म की कोई? नहीं। He's fine otherwise. अच्छा। नहीं। पहली बात तो ये देखिए जी, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी, मैं क्योंकि मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ, तो कोई भी पेशेंट हमारे पास एरम आता है तो हम उसको उसकी बेसलाइन ब्लड टेस्ट जरूर करवाते हैं, जिसमें एक फुल ब्लड काउंट है, जैसे पाकिस्तान में ब्लड CP कहते हैं। इसके अलावा थायराइड फंक्शन टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, TFT थायराइड, और डिप्रेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन इसका चोली दामन का साथ है। अच्छा, इसके अलावा आपने उसको कोई भी क्रॉनिक इलनेस अगर आपके जिस्म में हो तो उसके लिए हम जो बेसलाइन ब्लड, बहुत ज्यादा मोबाइल यूजेज हो गया है, एक टैब छोड़ के दूसरा मोबाइल आ जाता है, फिर टीवी आ जाता है, फिर सेल फोन आ जाती है, आप नोट करें अगर स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है तो व्हाई डोंट यू गिव मी कॉल एंड आई मे बी आई बी एबल टू हेल्प यू। और उसके अलावा उसके उनके बेसलाइन ब्लड टेस्ट जरूरी है, वो करवा के उसके बाद बात करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो व्हाइट लाइट आती है आपके फोन से या
ये रात को सोने से पहले तकरीबन 2-3 घंटे पहले ये व्हाइट लाइट बिल्कुल बंद कर लें। और आपको अगर निकोटीन, कैफीन, चाय, सिगरेट, कोका कोला, कॉफी, इफ यू आर यूजिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, प्रॉब्ली डोंट टेक इट आफ्टर 6 PM। ठीक है, नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर दूसरा, उनके साथ किसी को बैठा के उनके साथ बात मैं चाह रही थी कि हम तफसील से आप इसको बताएं। इरम हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। इरम के साथ वो तमाम खवातीन मजाज प्रोग्राम देख रहे हैं, स्टे विद अस। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, आप देख रहे हैं जिंदगी। वेलकम बैक टू जिंदगी। जिंदगी में आपसे मुलाकात होगी एवरी ट्यूजडे 6:30 से लेकर 7:30 तक, और मैं अकेली नहीं होंगी, मेरे साथ मौजूद डॉक्टर शाहिद। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। खैरियत से हैं? जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बात बताइए, मैं आपको एक पेशेंट लगती हूँ साइकेट्रिक? सच सच बताना है आप? नहीं, मैं वो कंप्यूटर का बटन ऑफ कर देता हूँ। अच्छा। नॉर्मल जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। इसके लिए बहुत रियाज की जरूरत होती है। आदमी शुरू शुरू में जब साइकेट्रिक करता है तो पहले 4-5 साल उसका कंप्यूटर चलता रहता है। तो हर एक आदमी जिंदगी में जब चलता है, इधर उधर लोगों को देखता है, घूरता है, आदमी कहता है या ये वाले इसको ये चक्कर है, ये वाले इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आदमी को प्रैक्टिस किया, यार ये तो जिंदगी एक मुसीबत हो गई, एक कोफ्ते एक अजाब है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर आदमी, जो मैं बाहर निकलता हूँ तो इधर एक बटन है, उसको मैं एंच करके ऑफ कर देता हूँ। और फिर आराम से मैं जब काम पे जाता हूँ सिर्फ तभी उसे ऑन करता हूँ। अच्छा, आपकी पंजाबी बड़ी अंग्रेजी वाली पंजाबी, एंच करके, ये एंच इज सो कूल। ये यारों दोस्तों के साथ सीखी है जी पंजाबी। पंजाबी पंजाबी में फिर सराय की बड़ी मीठी जुबान है जी। बिल्कुल, आई लव सराय की। अच्छा, आप किस तरह से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि एक मी टाइम देते हैं, म्यूजिक सुनते हैं क्या? हम सबको तो कह रहे हैं, आप खुद क्या करते हैं ये तो बताएं। मैं जी अभी ज़्यादातर जब सब सो जाते हैं तो मैं 1-2 घंटे करंट अफेयर के प्रोग्राम्स कोई देख लेता हूँ, कोई हाँ जी कोई थोड़े से करंट अफेयर से आप हैप्पी हो जाते हैं? मैं ज़्यादातर इंग्लैंड को या CNN को या BBC को देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे तो ज़्यादातर आदमी को डिप्रेशन हो जाती है। और बच्चों के साथ खेलता हूँ, वाइफ के साथ थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ। परफेक्ट। हाँ, तो वो उससे थोड़ा सा बेटी को टाइम देता हूँ। और मेरा जो सबसे बड़ा लड़का है आरिस खान, वो उस अभी इस काबिल हो गया कि उसके साथ मैं अपनी ज़हनी कैफियत उसके साथ शेयर करूं। तो मेरे साथ वो बड़ा मुझे सपोर्ट करता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है। और यारों दोस्तों के साथ फोन पे बात कर लेता हूं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, फैमिली सपोर्ट का या फ्रेंड्स का सपोर्ट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इन ज़हनी परेशानियों से बचने के लिए? बहुत बड़ा। अगर आप जिंदगी में अकेले तभी होते हैं जब आपके इर्द गिर्द कोई नहीं होता। सबसे बड़ा खौफ ये होता है। हाँ, देखिए जिंदगी में जब भी आपको अभी किसी ने भी रोना हो, अगर वो अकेले रोए या किसी के साथ रोए, बहुत फ़र्क होता है। अगर आदमी के दोस्त हो, दोस्त से ज़्यादा आदमी की फैमिली हो, आदमी की अपनी वाइफ हो, आदमी की औलाद हो, बच्चे हो, आदमी के दोस्त हो, तो उनके साथ आदमी जब शेयर करता है तो वो आदमी को सजेशंस देते हैं, आदमी को बताते हैं। ये भी काउंसलिंग है ना, बहुत जरूरी। ये इंग्लैंड में चूंकि ये चीज़ नहीं है, हमारे UK में ज़्यादातर लोग अकेले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब उन्हें काउंसलिंग की जरूरत होती है तो आके हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठते हैं, बातें शेयर करते हैं। हमारा तो सिस्टम, अल्लाह ताला ने हमारे मजहब में, हमारे माशरे में इतना खूबसूरत सिस्टम है, अगर इसमें से हम कुछ ये 2 नंबर चीज़ें जो हैं इनको फिल्टर कर लें। 2 नंबर चीज़ें बहुत हो गई हैं वैसे। जैसे कि अब डिफाइन कीजिए, कुछ शेर ही सुना दें इस चक्कर में। जैसे कि आप देखती हैं बाहर जाती हैं, लोग रोते हैं, कोई कहता है महंगाई हो रही है, कोई कहता नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, 2 साल गुजरे हैं, कोई कहता नहीं 2 साल बहुत हो गए हैं, बहुत, ये एक सियासी डिस्कशन हो गई है। लेकिन ये कि आदमी इर्द गिर्द की चीज़ों को देख के आदमी पे असर होता है ना। बिल्कुल। आदमी जब देखता है अपने इर्द गिर्द के आदमी आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपके साथ कोई आपके साथ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त जो है, मैं जिसके साथ बातें शेयर करता हूँ, वो मेरे साथ गाड़ी चलाता है, जो मेरे साथ है बहुत अरसे से, मुरीद साहब, उनके साथ मैं बातें शेयर करता हूँ, मुझे एक और कहानी सुनाते हैं, वो अपनी नज़रों से चीज़ों को देखते हैं, मुझे पंचिंग बैग मिल जाता है ना। हाँ, सारी बातें करो। वो उसके साथ मैं बातें शेयर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। घर में मैं अपनी वाइफ के साथ बातें करता हूँ, वो मुझे अपनी, वो उसे बताती है, कहानियाँ सुनाती। तो आदमी को हमेशा दूसरे लोगों का भी एक व्यू पॉइंट, नुक्ते नज़र को समझना चाहिए और दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेशक, बेशक। हम लोग जो हैं, हम जो रिस्पेक्ट थोड़ी सी दूर चली गई है पिछले 30-40 साल में, पता नहीं इस मुल्क में क्या हुआ है, मुझे समझ नहीं आती
जब वापस आए तो एक शौक सा लगा था आपको? बहुत वैल्यूज में बहुत फर्क आ गया ना, मैं तो बिल्कुल ही सर के बल खड़ा हो गया कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हर जगह बहुत ही नफसा नफसी, और हर जगह एक तो ये कि माशाल्लाह हम पहले भी झूठ बोलते थे लेकिन अभी मास्टर हो गए हैं। हर एक आदमी झूठ बोल रहे हैं और झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, और उसको फिर इतना झूठ बोलता है कि खुद पे उस पे यकीन हो जाता है कि वो जो झूठ बोल रहा है वो सच, वो सच है। आप गिल्टी फील करते हैं शायद मुझसे गलती होगी है, मैंने गलत बोला, कुछ इतने प्रोफेशनल झूठ बोल रहे होते हैं। नहीं, ये हमारी साइकियाट्रिक बीमारी है। Really? जिसको सूडोलॉजिका फैंटास्टिका कहते हैं, जिसमें आप इतना झूठ बोलते हैं और इतना यकीन के साथ बोलते हैं कि आखिर में आप खुद पे भी आपको यकीन आ जाता है कि मैं ठीक ही कह रहा हूँ। और यहाँ पे इर्द-गिर्द हमारा माहौल ऐसा हो गया है, तो खुद को टाइम देना चाहिए, जिंदगी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करनी चाहिए। कनात बहुत अच्छी चीज है, कनात पे वो करें। और आप कह रहे थे कि रिलैक्स होने के लिए लोग क्या करते हैं, रिलैक्स रहने के लिए आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, और वो जो आप वो भी लोग, कुछ लोग योगा पे यकीन करते हैं, कुछ लोग योगा ज़्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप खुशू व खुजू से आप नमाज पढ़ें, वो सबसे अच्छी चीज़ है। आप 5-10 मिनट के लिए दुनिया माफिया से बेनियाज हो जाते हैं, अल्लाह ताला से राबता करें, और आप उस पर अगर आप अल्लाह ताला पे अगर आपका यकीन हो जी, तो फिर आपको किसी क्या डर है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ कि इसकी एडिक्शन हो जाती है जब आप एक हस्ती के पास बैठे हैं, उसके सामने सर झुकाया हुआ है। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो एक कॉल ना ले लें, लेट्स सी हमारे साथ कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जिंदगी। वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी जी। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं असहाब बोल रहा हूँ, वजीरिस्तान से। जी भाई कहिए जी। मुझे 2008 से डिप्रेशन है, एंग्जायटी जो आपने कह रहा था पहले, जनरल एंग्जायटी 2008 से मेडिसिन खा रहा हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो। इफ्तिखार भाई सॉरी मैं सुना नहीं, आप क्या खा रहे हैं? मैं अभी खा रहा हूँ दवाई में पिरोक्सेटिन 20 मिलीग्राम, एमाइलिन और क्योसिल। अच्छा तो ठीक है, लेकिन ये कोई एंग्जायटी के लिए मेरे ख्याल में बहुत हो गई है आपकी दवाई, क्योंकि अगर आप पिरोक्सेटिन खा रहे हैं तो काफी है, वो तो दिन की दवाई है। अगर 20 मिलीग्राम काम नहीं करे तो आप उसे बेशक 30 मिलीग्राम कर दें, उसको 30 मिलीग्राम कर दें, लेकिन अगर आप क्यूसिल खा रहे हैं, कोटाइपिन खा रहे हैं, तो वो तो आपको सुला देगी। अगर आप 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम रात को ले रहे हैं तो सुबह आप जब 8 बजे उठते हो तो आपको गुनूदगी होगी, आपका जहन अपनी जगह पर नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में क्यूसिल जो है वो हम इस तरह एंग्जाइटी में नहीं देते, बहुत कम देते हैं। अगर 25 मिलीग्राम है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, वो रात को आपको नींद भी लाएगी थोड़ी सी और थोड़ा सा जहन को सुकून भी देगी, लेकिन 50 मिलीग्राम नहीं लीजिएगा। और वो कहते हैं कि जब दवा काम ठीक ना करे तो उसकी मिकदार बढ़ा दें थोड़ी सी, तो पिरोक्सेटिन की जो एक्चुअल डोज है वो तो आप 50 मिलीग्राम तक आप ले सकते हैं, तो उसको आप 30 मिलीग्राम कर दें और आप सुबह को लें उसे। लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है एंग्जाइटी के लिए एक, जिस पर मैंने खुद काम किया है, मैं खुद मेडिकल रिसर्च काउंसिल इंग्लैंड का मैं मेम्बर रह चुका हूँ जी, वहाँ पर 5 साल मैं रिसर्च काउंसिल का मेम्बर हूँ। तो वहाँ पे हमने जो एरोबिक एक्टिविटी है, एरोबिक एक्टिविटी जो चलना है, जिसमें भागना है, जिसमें फुटबॉल खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, लेकिन उसमें ये जो 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 जिम में आप जाते हैं, जो वेट्स उठाते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो अनएरोबिक एक्टिविटी है, वो एग्रेशन को प्रमोट करती है। फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल चलाना, भागना, दौड़ना, ये जितना आप कर सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपकी एंग्जाइटी, आपको आधी दवाई की ज़रूरत होगी, तो इस पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। और हमारा नंबर आ रहा है, अगर आप मेरे साथ बात करना चाहें बताते खुद, तो दिन के वक्त मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको और इस बारे में आगाही दूंगा जी। मतलब ये कि एक सिंपल सी टेक्निक है कि सोने से पहले 2-3 घंटे पहले सेल फोन ऑफ कर दें और कुछ एग्जर्शन कर लें, साइकिल चला लें, वॉक कर लें। नहीं इतना मुश्किल ना बने ना लोगों के लिए, सोने एक तो ये कि खाने का हमारा अपना एक रूटीन है। हम जब खुद पाकिस्तान में थे तो खबरनामा लगता था 9 बजे, इतने चैनल नहीं होते थे और खबरनामे के साथ ही खाना आता था, वो खाने का टाइम थोड़ा गलत है, उसको थोड़ा सा आगे कर लें। ठीक है जी। 7-8 PM आप खाना खा लें और खाने से 2 घंटे पहले वो आप मतलब आप ये कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, वो बिल्कुल वो इस्तेमाल ना करें। कैफीन जो है, कोक, पेप्सी, इसका इस्तेमाल थोड़ा बंद करें क्योंकि वो भी स्टिमुलेट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल और उसमें यह कि इसको कहते हैं हम स्लीप हाइजीन। ठीक है। स्लीप हाइजीन क्या, व्हाट इज स्लीप हाइजीन कंसिस्ट ऑफ? स्लीप हाइजीन में यह है कि अपने जहन को आप थोड़ा सा पुरसकून बनाएंगे, रिलैक्स
आपके जहन में जो दुनिया जहां के हंगामे हैं कि आज क्वेटा में जलसा हुआ है तो आज लाहौर में जलसा हुआ है तो फलाने ने ये कह दिए, ये बुरी बुरी बातें नहीं सोचें, बिल्कुल सही, आप अच्छी अच्छी बातें सोचें कि एक दिन यहाँ पे भी जबरदस्त काम होगा, अच्छा प्रोग्राम देखा हमने आज जिंदगी का, है ना, ऐसी बातें कर लें, अच्छी बातों के बारे में सोचें। अगर आपका बेडरूम बहुत ज्यादा ठंडा है तो आपको नींद नहीं आएगी, बेडरूम बहुत ज्यादा गर्म है तो नींद नहीं आएगी, अगर आपका पेट बिल्कुल खाली है तो नींद नहीं आएगी, पेट बहुत ज्यादा आपके पेट में बहुत ज्यादा खाना है तो खाना नींद नहीं आएगी, आपका पिलो ठीक नहीं है, आपका बेड ठीक नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप थोड़ा सा किसी अच्छी चीज के बारे में सोचें। बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मुस्बत बातें सोचिए, अच्छी कंपनी में रहिए, यानी कि हमसे मुलाकात कीजिए एवरी ट्यूसडे। और डॉक्टर साहब कितनी अच्छी कंपनी थी मेरी कि देखिए एक घंटा गुजर गया, चला गया, हो गया टाइम, देखिए यानी कि अच्छी कंपनी का होना जो है वो बहुत जरूरी है। आज पहला प्रोग्राम था, एवरी ट्यूसडे आपसे मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप फैमिली मेंबर की तरह से, लेकिन फिर भी इज्जत एहतराम का रिश्ता कायम होना चाहिए। आपसे मुलाकात होगी जनाब अगले हफ्ते, तब तक के लिए और उसके बाद भी खुश रहिए और खुशियां बांटिए। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज़ जी।